गौवंशीय पशुओं के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो गौवंशीय पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्यवाही। पुलिस ने 13 गौवंशीय पशुओं के साथ दो तस्कर किए गिरफ्तार। मौका पाकर 5 पशु तस्कर मौके से फरार। पकड़े गए तस्कर काफी लंबे समय से कर रहे थे पशु तस्करी। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पशु तस्करों का खुलासा करते हुए बताया कि गुन्नौर पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग पशुओं की तस्करी कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने गैंग की घेराबंदी कर टाटा 407 सहित मोहम्मद हसीन दिलशान को गिरफ्तार कर लिया। मौके से गैंग का सरगना सहित 5 लोग फरार हो गए हैं जिनकी घेराबंदी की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टाटा 407 से 13 गौवंश पशु बरामद कर लिए हैं। जानकारी मिली है इसमें कुछ लोकल लोग शामिल हैं जो पशुओं को अपने घर पर बांध लेते हैं और बाद में गाड़ियों में भरवा कर दूसरे पदों को सप्लाई करा देते हैं। आरोपियों का चालान कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गुन्नौर पुलिस ने खुलासा किया है क्या मामला? जनपद संभल में ये गुन्नौर में कुछ पशु तस्कर की सूचना मिली थी जिसको वहाँ की टीम लगाई गई थी। इसमें थाना स्तर से गुन्नौर की प्रवीण सोलंकी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और मुखबिर की सूचना पर जब इनकी घेराबंदी की गई तो टाटा 407 से कुछ लोग पशुओं को लाद करके ले जाने का कार्य कर रहे थे। उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया जिसमें 2 साथी पकड़े गए हैं। ये मोहम्मद हासिम और दिलशाद, इनके 5 साथी और फरार हो गए हैं। इसमें एक गैंग लीडर था, वो भी मौके से जो आगे रेकी कर रहा था गाड़ी में वो फरार हुआ है। उसकी भी घेराबंदी की जा रही है, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी जल्दी से जल्दी। इसमें कुछ लोग लोकल लेवल पर भी शामिल थे जो पशुओं को इकट्ठा करके अपने घरों पर बांधे रहते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे सांड गाड़ करके इन पशु तस्करों से उसको बेच देते हैं और उसको गाड़ी में लदवा करके दूसरे जनपदों को भेज देते हैं। ये पूरा गैंग अभी पकड़ा गया है। इसमें कुछ लोग बाकी हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।